जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरें आप लोगों ने ट्यून किया हुआ है जेके मीडिया, और जो खबरें आप लोगों से कई बार मिस हो जाती हैं इस शाम के बुलेटिन में, मैं वो आपको खबरों के साथ रूबरू कराता हूं। क्या रहा आज जम्मू कश्मीर में खास, शुरुआत करते हैं कश्मीर घाटी के साथ। कश्मीर घाटी की बात करें तो कल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वैली पहुंचेंगे और सिक्योरिटी सिचुएशन का पूरा जायज़ा लेंगे, और साथ में वो इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे जो एक रमज़ान के महीने में सीज़ फायर का डिसीज़न लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बाद कितनी घटनाएं हुई हैं और किस तरह के हालात रहे हैं कश्मीर घाटी में, ये सब कल जायज़ा लिया जाएगा। खुद होम मिनिस्टर जो हैं कश्मीर पहुँच रहे हैं और शायद उसके बाद वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दें। दूसरी खबर की बात करें तो ये भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई खबर है। ये खबर है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके की। कुपवाड़ा इलाके का मचेल सेक्टर में तीन आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल मचेल सेक्टर में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े ही जांबाजी के साथ तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जब वो भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मचेल सेक्टर, कुपवाड़ा इलाका, नॉर्थ कश्मीर की ये वारदात है। अगली खबर की बात करें तो ये खबर है जम्मू से जुड़ी हुई है। जम्मू से जुड़ी हुई खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। आज मजदूर यूनियन, जो कि नॉर्दर्न रेलवेज की मजदूर यूनियन है, उन्होंने प्रदर्शन किया और रेलवेज अथॉरिटीज़ के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। उनका ये कहना था कि टोटल जो क्लीनर्स हैं, जो कि रेलवेज़ की सफाई करते हैं, जितनी भी बोगीज़ रहती हैं ट्रेन की, सिर्फ 28 लोग हैं जो इस सफाई के काम में लगे होते हैं, जबकि टोटल उनका ये कहना है कि टोटल लोगों की ज़रूरत है कम से कम भी 70, जो काफ़ी बार इन्होंने कहा रेलवे विभाग को। लेकिन ये जो चीज़ है उसको पूरा नहीं किया गया रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा, जिसके लिए उनका रोष प्रदर्शन था, और उनका जायज़ था रोष प्रदर्शन, क्योंकि जब रेलवे की कोई बोगी गंदी नज़र आती है तो सब लोग बात करते हैं कि बड़ी गंदगी फैली हुई है, लेकिन जो लोग साफ़ सफाई करते हैं उनके लिए भी रेलवे अथॉरिटीज़ को कुछ सोचना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो ये उधमपुर इलाके की खबर है। उधमपुर इलाके में उधमपुर पुलिस द्वारा एक कैंपेन चलाई गई जिसके अंदर लोगों को ये समझाया गया कि तंबाकू वगैरह का सेवन बहुत ख़राब है आपके जीवन के लिए। इसलिए जो उधमपुर पुलिस है उन्होंने पूरे उधमपुर इलाके में ये कैंपेन शुरू की हुई है जिसके अंदर लोगों को समझाया जा रहा है कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसके बाद एक और खबर की बात करें जो जम्मू से ही जुड़ी हुई है। आज जम्मू के कुछ मेटाडोर रूट्स की गाड़ियाँ बंद रहीं, जिनके अंदर मड़ इलाके की, गजनसू इलाके की मेटाडोर्स की सेवाएं आज बंद रखी गई मेटाडोर द्वारा। कारण ये था कि उनको सही तरह के स्टैंड नहीं मिलते तो उनको कहीं भी ब्रेक वगैरह मारनी पड़ती है, जिस कारण काफ़ी बार ट्रैफिक विभाग की तरफ से उनका चलान वगैरह काटा जाता। तो उनकी भी डिमांड जायज़ है, लेकिन जिस तरह से वो बेवजह कहीं पर भी गाड़ी रोक लेते हैं वो भी गलत है, जिसके लिए ट्रैफिक विभाग बार बार बोलता है कि आप कहीं भी गाड़ी मत रोकें, ट्रैफिक स्टैंड जो भी स्टैंड होता है वहां पर गाड़ी रोकें। और यात्रियों से भी, पैसेंजर से भी ये आग्रह है कि वो स्टैंड पर ही खड़े हों और वहीं पे तभी गाड़ी खड़ी होगी। अगर आप स्टैंड के बिना कहीं भी खड़े होंगे तो गाड़ी भी वहीं रुकेगी। तो आप लोग शुरुआत कीजिए, स्टैंड पे खड़ा होना शुरू कीजिए, जिससे कि जो एक स्टैंड जिस लिए बना गया है उसको उस तरह से यूज़ किया जाए, ना कि जितने भी लोग यहाँ पर भिखारी वगैरह लोग हैं वही सारे स्टैंडों पे नज़र आते हैं, बाकी यात्री कोई नज़र नहीं आता। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब आज का मुद्दा क्या है? आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो जो कश्मीर के हालात बने हुए हैं। कश्मीर के हालात क्या बने हुए हैं, खास करके जब से ये सीज़ फायर का एक प्रपोज़ल लाया गया था ऑल पार्टी मीटिंग में, और उसके बाद इस प्रपोज़ल को अमली जामा भी पहनाया गया और सीज़ फायर किया गया। इस सीज़ फायर का जो प्रपोज़ल रखा गया था, इस प्रपोज़ल के लाने के बाद कितने इंसिडेंट हुए हैं कश्मीर में, वो सारा डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि कुछ सोर्सेज के मुताबिक हमें ये डेटा मिला है, और हम आपको बताएंगे कि कितने आतंकी गतिविधियाँ हुई,
कितने आतंकी मारे गए, कितने ग्रेनेड ब्लास्ट हुए जनवरी से लेके इस मई के महीने तक। शुरुआत करते हैं जो ये प्रपोजल आया गया था सीज फायर का। एक मौका दिया गया था आतंकियों को कि वो शांति में रहें और अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें, लेकिन इस मौके का सही फायदा नहीं उठाया आतंकवादियों ने। लगातार ग्रेनेड हमले, लगातार आतंकी हमले वो करते रहे हैं, जो कश्मीर इलाके से खबर भी आती रही है। कल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद वैली का दौरा करेंगे और पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो और खास करके इस सीज फायर के अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कितनी घटनाएं हुई। अगर हम जनवरी से लेकर मई तक की घटनाएं देखें तो अभी तक 66 आतंकवादियों को इन महीनों में मार गिराया है, जिनमें से सिर्फ 53 आतंकी ऐसे हैं जो साउथ कश्मीर के रहने वाले थे और उसके बाद साउथ कश्मीर में माफ़ कीजिएगा मारे गए। और इसके बाद इस रमज़ान के पावन महीने में भी 7 आतंकी मारे गए। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जनवरी से लेके मई तक का जो डेटा है उसके अंदर 52 ऐसे इंसिडेंट हुए थे और 52 आतंकी मारे गए थे, जबकि इस बार 68 मारे गए हैं। पिछले 20 दिन का अगर हम देखें कि कितने ग्रेनेड और आईईडी ब्लास्ट किए गए यहाँ पर, तो पिछले 20 दिनों का डेटा ये कहता है कि 28 ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर ग्रेनेड हमले और आईईडी ब्लास्ट किए गए वैली के अंदर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की, इन दिनों में आतंक के रास्ते में कितने फ्रेश रिक्रूटमेंट्स और कितने लोग इस आतंक की दुनिया में गए, तो वो 68 लोग टोटल रिक्रूटमेंट उनकी हुई है आतंक की दुनिया में, जिनमें से 14 आतंकी मार गिराए हैं। ये कुछ डेटा है जो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें मिला है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इस सीज फायर का क्या आपको लगता है कि उस तरह से सही इम्प्लीमेंट हो पाया? क्योंकि अगर बात की जाए आतंकी हमलों की तो वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज भी 3 आतंकियों को मार गिराया है जो कि मचेल सेक्टर नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन 3 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। मेरे पीछे ये चित्र भी बना हुआ है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का। हम जितनी तारीफ करें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की कम है। सल्यूट करना चाहेंगे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिस तरह से वो आतंक के साथ लड़ते हैं कश्मीर घाटी में। हमारे साथ एक और चित्र है भारत माता का, किस तरह से भारत माता की रक्षा कर रहे हैं हमारे सुरक्षाकर्मी। चाहे जैसा भी वैली में हालात हो, हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस यही चाहते हैं कि जो बच्चे रास्ता भूल चुके हैं वो रास्ते पे आ जाएं। माँ बाप ने भी गुहार लगाई कि आतंक का रास्ता छोड़िए, अपने घर में आइए। कई बच्चों ने वो बात सुनी और वो बच्चे वापस आए, आतंक का रास्ता छोड़ा, अपनी बंदूक के नीचे रखी। लेकिन आज भी कई लोग वो रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं जो रास्ता उनको छोड़ना चाहिए। अगर रास्ता छोड़ेंगे तभी एक सही रास्ते पे आप आ सकते हैं, लेकिन रास्ता उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। कोशिश जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ताकि लोग जो है रास्ते पे आ जाएं और एक अच्छा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बनाएं। हम लोग इसी तरह से लाइव डिबेट्स करते रहेंगे, आप लोग अपनी राय इस वीडियो में दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी राय ज़रूर सब लोगों तक, सब दर्शकों तक लाएं। आप लोग जुड़े रहें जेके मीडिया के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।